हेलो। हाँ नमस्कार हुकम नमस्कार हुकम प्रभु निवेदन करूं, खूब खूब बधाई जी। धन्यवाद हो हुकम। प्रभु। ये बात बताओ कि ये दरियावाद से कितने वोट ले गया, ब्लॉक दरियावाद से? दरियावत को मैंने गणित बताई वही निकली हुकम पूरी। नहीं, उससे ऊपर निकली। बताओ। दरियावत की मैंने आपको बताया था यहाँ बराबर चल जाएगा, आगे नहीं निकल पाएंगे, बराबरी का आंकड़ा है। और वही गणित आपकी लगी में लसड़िया वाली, आपने कहा था अपन लसड़िया से ही जीतेंगे ये, और लसड़िया से ही जीते। आपने 5 बताए लेकिन बहुत ही बढ़िया, 4-5 की लीड बताई और वो 4 में कन्वर्ट की आपने लीड को, वहां से लीड लाए और उसी लीड से जीते हो। आप नहीं होते तो मामला गड़बड़ था। आप अगर लसाड़िया में नहीं रुकते चांदना जी और आप, तो मामला खत्म था। तो ये जो वहां दरियावद से कांग्रेस प्लस में, बीटीपी प्लस में? दरियावद से तो प्लस में है ना, या इस बेल्ट में ये 12-13-15 पंचायतों में नहीं है। नहीं, टोटल दरियावद ब्लॉक में मुझे ये लग रहा है कि बीटीपी ने लीड मारी है। टोटल में लीड नहीं मारी है, 10% वोट नगराज जी के ज्यादा मिले। नहीं, ऑल ओवर 47 पंचायतों में। हाँ, हाँ तो वो तो फिर कहीं कहीं एक तरफा हो गई पंचायतें उधर दरियावद वाली। ऐसा नहीं है एक तरफा हुई कि नहीं हुई भाई। 20-21 हजार वोट तो हमने दिलाए, ठीक 20,000 पूरे आप लाए, 21,000। है। वहां आप बीटीपी को 4 हजार के लगभग वोट मिले, हाँ वहां नहीं मिले। ठीक है। तो लसाड़िया से मैं मान सकता हूँ कि 15 हजार वोट ले गए होंगे बीटीपी का। नहीं लसड़िया से नहीं मिले बीटूपी को, नहीं मिले 8,400 वोट। 8,400 हाँ कितने हुए? चार और लसड़िया। 8 कितने होते हैं? 13 हजार मान लो। अब 51 हजार में 13 हजार माइनस करो, 51 में 13 माइनस 38। 38 हजार। अब 38 हजार वोट वहां मिले तो अपन ये माने कि 20 हजार लसड़िया ने दिया कांग्रेस को और 25 हजार देगी दिया होगा इसने, या 20 हजार दिया होगा किसने? जल्लारा ने। जलारा ने 20 दू 40, 70 हजार वोट मिले। 70 हजार में 40 माइनस करो, 30 हजार हुए, तो 30,000 कहूँ बीटीपी प्लस रही। मतलब दरियावत में हो गई प्लस। मैं तो 38 भी नहीं मानता हूँ, 35 मानता हूँ, तो भी 2-3 हजार से बीटीपी प्लस से हुई। मैंने आपको क्या कहा था, आपका मामला मालविया जी भी फेल हो गए हैं, कुछ भी नहीं मिला मालविया जी को, कहीं लीड भी नहीं दिला पाए। इस मुंगाना बेल्ट की जो पंचायतें इन्होंने पकड़ी थी, इनको रात को भगाया, कुछ भी नहीं मिला। आपका मामला अपन घर पे बैठे, आपने ऑल ओवर यही कहा था दरियावत में बराबर हो जाएगी, आगे नहीं निकल पाएगी। ये तो आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि मामला गड़बड़ी है दरियावत का, और फैसला हाँ, फैसला लसड़िया से होगा ये भी अपना तय था। और लसड़िया नहीं, आप अगर वहां लसड़िया नहीं होते, मैं तो इसका पूरा श्रेय आपको देता हूँ, क्योंकि लसड़िया ने ही आपने कवर किया। आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि वहां दरियावत से बीटीपी प्लस कहां से हुई? जहां मैं आपको बताऊं, जहां रामजी ने पिपलिया पंचायतें ली थी, सियाड़ ली थी इन्होंने, जवाहर नगर ली थी इन्होंने, केसरपुरा ली थी, वहां पे तो सब जगह मतलब थावर तीसरे कहीं आगे निकल गया, कहीं सेकंड, कहीं आगे न कहीं सेकंड ही रहा है, वहां तो पीछे हटा ही नहीं है वहां तो। और लास्ट तक ये 23,000 से आगे थे, उसके बाद हमारे ये बोरिया गोठड़ा की जो पेटियां निकली, बोरिया गोठड़ा, यहाँ तो लगभग लगभग 400-400 500 500 वोटों की लीड ली है। हजारीगुड़ा में तो 500 वोटों की लीड ली इन लोगों ने इस पंचायतों में। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, दिनेश जी खोडनिया को यहाँ फेल हो गई है, मालविया जी भी नहीं यहाँ चल पाए, कोई नहीं चल पाए, इन दोनों को जो क्षेत्र दिया इन दोनों में फेल हो गए। खोडनिया उसकी रणनीति में पास हो गया वो। हाँ, उन्होंने वो जनरल लो भी खेल ले गए, हाँ, वो ये जनरल लोग। मालविया जी नहीं निकल पाए।
मालवीय जी का निकलना नहीं हुआ वो तो ठीक है, पर मालवीय जी कहीं बीटीपी के पक्ष में तो नहीं थे? नो नो नो, नहीं थे, ये मैंने देखा है। मैं लगभग लगभग इनकी कई सभाएं में साथ में रह के अटेंड की थी। आपका एक चीज मैंने आपकी देखी, आप तो कमिटमेंट करते हो करूंगा तो यस, नहीं करूंगा तो नो, तो वही मतलब वो साबित हो जाता है कि ये काम करेंगे तो हाँ कह रहे, नहीं करेंगे तो ना कह रहे। तो उससे आपके लोग जुड़ने वाली क्षमता ज्यादा थी, इनसे दूरियां बन रही थी, आपसे जुड़ाव ज्यादा हो रहा था। मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली बात बता रहा हूँ मैं। आप उस दिन नाश्ते में घर पे पधारे तो कम से कम आप सिर्फ बैठे तो उसमें कितने लोगों को लगा कि यार ये आदमी बात करे, मजो आवे, अच्छा लगता है लोगों को।